गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अब तो वेदर भी अच्छे से चेंज हो गया है. ओके, सो आज हम लोगों की है मैथ्स की क्लास और आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. ओके, किसका रिवीजन करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, यानी कि ऐड करना, प्लस करना और माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना आज हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे. आई नो कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया था, बट क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं फाइनल टर्म के, सो वी नीड अ मोर प्रैक्टिस, है ना. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है, राइट. तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले एडिशन की और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सब्ट्रैक्शन की. ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं. मैम ने आपको सिंपली एडिशन सिखाए थे सबसे पहले, तो अभी हम लोग पहले वही सिंपल वाले एडिशन देखते हैं, लाइक 6 + 7. सो मैम ने आपको क्या बताया था? इट्स अ प्लस साइन. ओके, और जब आपके टू नंबर्स लिखे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उतने वन बनाने होते हैं. तो जो बच्चा अभी भी नहीं सीख पाया था एडिशन, वो फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है और सीख सकता है. तो 6 हमारे को कितनी लाइन्स बनानी है? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और नीचे कौन सा नंबर है? 7. सो हाउ मेनी लाइन यू नीड टू ड्रॉ? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं? राइट, वी नीड टू काउंट ऑल द लाइंस टुगेदर एंड व्हाट वी डू, वी क्रॉस आउट द लाइंस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 6 + 7, we can say 13. 1, 3, 13. Okay, समझ आया आपको? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं. 8 + 5, and it's a sign of plus. So what we need to do? We need to do write or draw 8 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now, अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से 5 lines को draw करना है. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? अब yes. Now we need to count all the lines together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So we can say 8 + 5 कितना होगा? 13. Okay? तो समझ आया? So ये तो हम लोगों ने की थी lines draw करके practice, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? फिंगर्स की हेल्प से हम लोगों ने जो सीखा था हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो मैम ने यहाँ पे नंबर लिखा 5 और यहाँ पे नंबर लिखा 7 और वी नीड टू प्लस बोथ दी नंबर. सो मैम ने क्या सिखाया था आपको? इन वन हैंड वी हैव दी 5 फिंगर्स, राइट, एंड इन ईच फिंगर्स वी हैव 3 ब्लॉक्स. हमारे एक हाथ में है 5 फिंगर्स और हर एक फिंगर के ब्लॉक कितने हैं? 3. हर एक फिंगर में 3 ब्लॉक्स होते हैं. सो टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? 15. कितने होते हैं? 15. सो हमारा पहला नंबर क्या है? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एंड देन नेक्स्ट नंबर क्या है? 7. सो 5 पर हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू काउंट ऑल दीज ब्लॉक्स टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. सो वी कैन से 5 + 7 कितना हो जाएगा? कितना होगा? राइट, 12. ओके, तो सबको समझ आया? एडिशंस विद द हेल्प ऑफ द लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स. ओके ओके, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सब्ट्रैक्शन की. किसकी प्रैक्टिस?
पढ़ना होता है। ओके लेट्स सी, इट्स अ नंबर 8 एंड इट्स अ नंबर 4 एंड दिस इज द साइन फॉर द सबट्रैक्शन और द माइनस। सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि माइनस का मतलब हमें कम करना है ना, हमें बढ़ाना नहीं है, कम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना नंबर नीचे लिखा है उतनी लाइंस इसमें से कट कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 4। सो नाउ हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट, 1 2 3 4। सो 8 - 4 वी कैन से 4। ओके समझ आया। चलिए एक और नंबर हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। सो द नेक्स्ट नंबर इज 9 and 5। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी ड्रॉ 9 लाइंस। नाउ हाउ मेनी लाइंस वी नीड टू कट, यस 5। सो 1 2 3 4 5। नाउ हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट, 1 2 3 4। सो 9 - 5 कितना बचा, इक्वल टू 4। ओके तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पक्का। चलिए अब आप सभी बच्चे इसी तरीके से छोटे छोटे से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को अपने नोटबुक में नोट करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू किड्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।